भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर से ट्रोलिंग का शिकार हो गए। दरअसल भारतीय टीम विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेल रही थी। पहली विकेट के लिए भले ही रोहित शर्मा और KL राहुल ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दे दी, लेकिन जब कप्तान कोहली ने रन गति को तेज करने के लिए ऋषभ पंत को क्रीज पर भेजा तो वह शून्य पर ही पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत मैच के दौरान एक बार फिर से गलत शॉट सिलेक्शन का शिकार हुए। पोलार्ड की एक गेंद पर ऑफ साइड पर लंबा छक्का लगाने के चक्कर में पंत बाउंड्री पर खड़े जैसन होल्डर को सीधा कैच पकड़ा बैठे। वही पंत के एक बार फिर से जल्द आउट होने पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। देखिए आप भी ये ट्वीट। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।